राज्यसभा में भेजने गए तो राज्यसभा में सीधा डायरेक्ट हरदीप जुटेजी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इनको सीधा राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। एक मिनट संचालक स्टेज गायब तो बैठता आठ मंगा हो क्यों कारण नहीं मान करो तो ना करो ना, जब तक आप स्टेज पे थे नेशनल मीडिया प्रदेश मीडिया सारा मीडिया वही था, पूरा शहर वहाँ था और आप जैन सब कर बैठ नहीं दूंगा, कब पे ही बैठ नहीं दूंगा तो आप आगे बोलिए। तो यार मैं जाऊं था कहां से घर जाऊंगा और क्या करूंगा। अच्छा, तो आज का प्रोग्राम है क्या मायने बना रहे, क्योंकि पूरी नगर परिषद की बात करूँ तो वो भी पार्षद ग्रुप में है, प्रतिनिधि ग्रुप में, वो सारे यहाँ पे आई हुई देखिए। आज हमारे बड़े भाई मुकेश गौड़ जी का मान सम्मान किया गया छत्तीस बिरादरी द्वारा, सर्व समाज ने उनका मान सम्मान करा। ये बड़ी खुशी की बात है कि भिवानी एक ऐसा शहर है जो कि सर्व समाज को लेकर चलता है, नहीं तो कहीं ना कहीं जातिगण राजनीति चलती है, जाति के हिसाब से लोग मान सम्मान करते हैं, पर बड़ा खुशी का दिन आज की सभी ने मान सम्मान करा उनका, जिला अध्यक्ष बनकर आए हैं, नई टीम बनाई है हरियाणा में नैब सैनी द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे तो चुन के आए हैं जिला अध्यक्ष के रूप में, तो देखते हैं आगे पार्टी में कहाँ का लेके जाती है, कहाँ का लेके जाती है। तो कैसे कहाँ के पार्टी बात को, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैंने लगा कि पहला नेता ऐसा हो इतना बड़ा प्रोग्राम किसी जिला अध्यक्ष पद में, पूरा भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जब तक राजनीति के कदम टेके है पहली बार ही जिला अध्यक्ष का ऐसा प्रोग्राम हमने अपनी याद में देखा है, जो मुकेश भाई का यहाँ मान सम्मान सत्यवीरादरी किया है। भाई हम तो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, यदि बीजेपी किसी को जिम्मेदारी देगी हम उसके साथ हैं। कार्यकर्ता किसे हो यार, थारा एरिया त्राई त्राई करे, थम कार्यकर्ता बने हंडो एरिया बीजेपी खुशहाल है, सारा प्रदेश खुशहाल है, भिवानी खुशहाल है, आने वाला चुनाव वार्ड तो खुशहाल को नहीं तो वार्ड कैसा हो तू हमारे वार्ड में प्रदेश की ऐसा है। अजय भाई हमारे वार्ड में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वार्डवासी हमारे से खुश है, हम वार्डवासी से खुश है। ऐसा है कैसा है, अभी सरकार ने अब काम चालू करे हैं, हमारे नगर परिषद के अंदर वो एक पार्षद बनना था, अप्रूवल कमेटी का मेंबर पार्षद तो बन लिया, पार्षद एक उसमें से बनना था, वो अप्रूवल कमेटी का मेंबर बन चुका है, अब कार्य शुरू होंगे, लगा चुके हैं 15 करोड़ के दो टेंडर लगा चुके हैं, और उसके बाद जो है अब ये बड़ा आज या, से काम चलेगा। तो आज या किसी डाक का उठा रहे थे, एक पैर दिखा था दूसरे पैर को दिखा था, बात तो ठीक आपकी, पैरे तो ठीक है थे, बूढ़े हो गए पैर डिगेंगे। तो पार्षद आए तो ये तो यही चुनाव समीकरण तो बन चुके शहर के अंदर, प्रदेश की बात करो देश के अंदर बात करो तो क्या मायने बन रहे, किस प्रकार की बातें हैं तो बताएं। बीजेपी का है पूरा इस चौक तरह के वो चौक तक सारा होगा, जाम कर दिया, बिल्कुल जाम कर दिया भाई, इतना बड़ा मान सम्मान हमने तो आज तक जिला अध्यक्ष का देखा को नहीं, और बीजेपी का प्रोग्राम माना या मुकेश गोड़ का माना या किसका माना, ये तो मुकेश गोड़ का सम्मान समारोह है, वैसे तो शहर का प्रोग्राम है और बीजेपी का प्रोग्राम है, पब्लिक ने जनता ने जो है आशीर्वाद मुकेश गोड़ को दिया है, छत्तीस बरादरी ने दिया है, छत्तीस बरादरी का सामूहिक जो है आशीर्वाद इसको मुकेश गोड़ को दिया है। वो नेता कुछ नेता भाजपा के अंदर वो मेरी उम्र को नहीं हुई है, मैं तो बाला के इशारा होता है मन्ना करना है, तो आप आशीर्वाद के और जान लगे हो, आशीर्वाद तो और कहीं नहीं गया, आशीर्वाद तो इसी के ऊपर रहेगा सबका, और पूछो समझ आए को नहीं, समझ में को नहीं आ रहा, पूछ के पूछ समझ में के कौन सा है के खा गया समझ में, बताओ क्या पूछ रहे हो, पूछना चाहते हो आप, ये जो शहर है आशीर्वाद आज मुकेश गोड़ के साथ में खड़ा है, जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता है नेता है एमएलए है, अब तो योजना से भाजपा से एमएलए है, तो वो कहते हैं कि अभी तो मैं जवान छोरा पड़ा हूँ, आप सर होना तो जवान तो आज मैं भी हूँ, वैसे तक देखोगे तो बिल्कुल युवा, ऐसी बात थोड़ी ना युवा है, अगर देखने में तो अगर कोई ताकत दिखा रही हो कहीं तो मैं उछल कूद करके अभी गुलबंडी खाऊंगा देखो, तो जो युवा है जो बदलाव देखने लग गया राजनीति में, या क्या
वो तो सरकार का काम है। देखिए देखिए ऐसे है, जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते खुद उलझ रहे हो, आप खुल के पूछो। ऐसे है, सरकार का काम है, जिसको भी टिकट देंगे उनका काम है टिकट लेके आना, वो लेके आए या और कोई कार्यकर्ता लेके आता है, हम कमल के फूल के साथ, कमल के फूल के साथ जितने यहाँ साथी बैठे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और कंधे से कंधे मिला के भाई के साथ है। टिकट लेके आएंगे तो भाई के साथ है, कोई और साथी लेकर उनके साथ रहेंगे, हम कार्यकर्ता कमल के फूल के। चलो जी अब तो बात खत्म होगी, कमल के फूल के साथ में है, कमल के फूल के साथ। बार बार आप ये ना कह रहे हो नगर परिषद से काम नहीं हो रहे, जितने काम अब हो रहे हैं पहले कभी भी नहीं हुए। मैं नहीं कह रहा बस, मैंने सवाल इनसे किया, ये कुछ दिन दिन आप, सुनो सुनो आप ये बताओ, सुनो 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 सुनो, ये हड़ताल पे थे, ये इन इनके इनके एरिया की पुल की बात थी, इनके सीवरेज की बात थी, इनकी गलियों की बात थी, उन्होंने सवाल इनके लाइट लाइट पे बात की, वो सवाल नहीं आई। नगर परिषद थोड़ी पुल बनाएगी भाई, सुनो सुनो, आपको पूरी बात नहीं पता ना, नगर परिषद पुल थोड़ी बना रही है, वो तो पुल तो बीएनआर बना रही है। अरे आप रोड की बात, हमने 2.5 करोड़ रुपया टेंडर लगा दिया है, अब 2 महीने के बाद में उस रोड पे देख रहा हूं, चंडीगढ़ जैसी फीलिंग महसूस करोगे आप। इतना मैंने ज्ञान है कि बीएनआर बना हुआ है, कौन बना हुआ है, लेकिन आप लोगों की मांग थी उस समय की, जिस समय की आपने कहा था कि आप पार्षद था, हम किस मुंह मुझा के दिखावा कि हमारे सीवरेज रुके बैठे हैं, हमारे लाइट को ला। देखो सुनो, हर अड़चने पब्लिक की डिमांड हर समय समय बढ़ती रहती है, हमारी डिमांड थी पुल बनाने की, हमारा पुल हमारे सरकार चालू कर दिया, उसमें कुछ दिक्कतें आई, उसमें टाइम लग गया, टाइम लगने में देते पब्लिक वहां जागरूक थी, वो रोड पे आके बैठ गई, तो पब्लिक को थोड़ी रोक सकती हो आप। लाइट की तो समस्या चलती रहेगी, जो जन समस्या है, आपका शरीर है क्या तंदुरुस्त रहता है, ये बीमार नहीं होता, मशीनरी है तो लाइट है, लाइट खराब भी होएगी, पानी की लीकेज भी होएगी। सवाल तो करो ना, नहीं नहीं बिल्कुल, देखो ऐसे इस सरकार से पहले इतने अच्छे काम पहले कभी नहीं हुए, कभी डोर टू डोर कलेक्शन आज तक नहीं हुई। आप भी पूरे पार्षद रहे हैं, नमस्कार। जिस प्रकार से आज पगड़ी समारोह समारोह हुआ, पूरा छत्तीस बिरादरी उमड़ उमड़ के आया, पूरा शहर उमड़ के आया, और ये व्यापारी फर्क था, क्योंकि व्यापारी आप पगड़ी समारोह समान समारोह समान समारोह मैं तो इतना कहना चाहूंगा, मुकेश गोड़ जी 20-25 साल से पार्टी के सीचड़े में लगे हुए हैं, और इससे पहले भी जो प्रधान रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन मुकेश गोड़ जी के आने के बाद ये जो अध्यक्ष पद है, ये सुपर स्मार्ट बुलेट ट्रेन जो मोदी ने चलाई है उसकी तरह से काम करेगा, उसकी तरह से काम होगा। तो जिस प्रकार से आज व्यापारी वर्ग के अंदर, क्योंकि ये भिवानी का गढ़ है, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमेशा ही कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने बदलता है, तो अब की बार क्या मायने बदल रहे 24 के लिए, किस तरफ व्यापारी वर्ग देख रहा अपने आप को या राजनीति को? देखो ऐसा है भाई, आप इस बात को अलग जगह लेके जाना जा रहे हो, टिकट के ऊपर लेके जा रहे हो, ये टिकट की बजाय ये जो पद है ये पार्टी का संगठन खड़ा करने का पद है, जो आज मुकेश गोड़ जी वहाँ पे मांग उठी है, वहाँ पे नारे लगे हैं कि अब की बार हमारा नेता ऐसा हो, मानते ना, ये मांग भी रही ना स्टेज के ऊपर से, चाहे मुकेश गोड़ ने कहा हो, चाहे किसी प्रकार ने कहा हो, तो मांग तो उनके दिल में चश्मी, मैं एमएलए के दावे डालू, मैं एमएलए का नहीं, ये तो कोई भी, देखो मैं बताऊंगा, कोई भी राजनीतिज्ञ होता है, राजनीति में आता है, पार्षद से लेके हर आदमी की एक इच्छा रहती है कि भी मैं एमएलए बनूं, मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, हर आदमी की ये सोच तो स्वाभाविक है जो राजनीति में आएगा, लेकिन वो तो पार्टी का काम है, किसको टिकट देनी है, क्या करना है, ये हाईकमांड का काम है। से मुकेश गोड़ा से टिकट मांग रहे हैं आप लोगों बीच में आ गए, आपके विश्वास के ऊपर, आपके बल के ऊपर, आपके दम के ऊपर, आपके माड़ा के ऊपर, तो क्या लगता है कि वास्तव में ये सही कैंडिडेट रहेंगे भाजपा के लिए, ये किस प्रकार के मायने? नहीं, कैंडिडेट मुकेश गोड़ जी बढ़िया आदमी है, और पार्टी को लगातार 25 साल से एक ही पार्टी में कार्य कर रहे हैं, और पार्टी को उच्च आयाम भी दिया इन्होंने, और इनके नेतृत्व में पार्टी और आगे तक भी जाएगी। तो जिस प्रकार से टिकट मिल जाती है तो जितना काम होगा, यदि मुकेश गोड़ जी को टिकट मिलती है तो, और विधायक बनते हैं तो मुकेश गोड़ जी भिवानी के लिए बढ़िया विधायक बने। सही है, बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, भाई को मानने लठगाड़ दिया जिला अध्यक्ष बना के। अच्छा, टिकट देखिए लठगा एमएलए, बिल्कुल भाई साहब एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, आगे मुख्यमंत्री भी बनेंगे। व्यापारी वर्ग की आवाज बनती जा रही है मुकेश गोड़ के रूप में। व्यापारी वर्ग देखो जी, युवा की चाहत है, युवा के फैन है व्यापारी वर्ग, व्यापारियों के भी मतलब हर दुख सुख में खड़े रहते हैं मुकेश भाई, तो वही है व्यापारी को और क्या चाहिए। तो अब की बारी जो ही मायने बदल, क्योंकि राजनीति मायने तो अब यहाँ से बदलना शुरू होंगे, क्योंकि ये भिवानी का आलू बाजार है,
क्योंकि यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे बंसीलाल जी हो, चाहे और बड़े नेता रहे हो देश के, वो यहाँ पे शुरुआत की है, यहाँ से शुरुआत की है, तो लास्ट कहा था शुरुआत करा वो भाषण था भाई जाएगी। ये शुरुआत यहाँ बंसीलाल जी ने भी यहीं से शुरुआत की थी और आज मुकेश भाई ने भी यहीं से शुरुआत की है। तो अब कह सकते हैं कि अब इस हल्के की, इस शहर की राजनीति में बदलाव दिख रहा, जिसकी पपोती वो समझा, जिसकी घर की कुर्सी समझा, वो कहीं ना कहीं वो हाईकमान का फैसला है जो क्या करती है क्या नहीं करती है, वो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है भाई। बीजेपी पार्टी में घर की कुर्सी कभी नहीं होती। आपको मैं एक कारण बताता हूँ, पहले बीजेपी पार्टी को बड़ियों की ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था, आज दोनों सर्वोच्च पद प्राइम मिनिस्टर का और राष्ट्रपति का दोनों पदों पर एक तो मतलब जैसे ओबीसी समाज से जो प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति जी है वो भी जन अन्य जाति से आदिवासी जाति से है, तो आप देख सकते हो ये 36 बिरादरी की पार्टी है, इसमें किसी को भी मौका मिल सकता है। जो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है किसी भी निष्ठावान पपारे भी बदलाव देख रहा, पपारे भी कहीं ना कहीं अब की बार नए युवा के चेहरे तरफ ज्यादा झुकाव दे रहा, चाहे शहर के आलू बाजार की बात हो, क्योंकि आप 1904 थे राज्यसभा में भेजने आए, तो राज्यसभा में सीधा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इनको सीधा राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। कार्यकर्ता होना चाहिए, सबने सेवा करनी है, जितने बैठे सारे कार्यकर्ता सबने हर्ष के भी जिज्ञासा होगी ना एमएलए बनने की, एमएलए का दावा दावा ठोकने, क्योंकि आप एमएलए मेरे कैमरे को काफी बार तेरी भी है, तेरी भी मंत्री बनने की, अरे की कौन कौन लड़ेगा, जो स्टार्टिंग है पत्रकार, तेरा भी मन है एमएलए बनने का, तेरा मन कौन एमएलए का क्या मतलब हुआ, अरे अरे रात में सब बन के सो रहा है, तय बढ़ जा, तय बढ़ जा रहा तो हमें बढ़ के चैनल बन ले, हां इसका तो चैनल बन जाए, सब प्रार्थना करो, हां ये बात तो करो, हां एमएलए का चैनल बनने के बाद हमारी तो पार्टी रिक्वेस्ट है कि भाई भाई ने राज्यसभा का मेंबर बना दे। भारतीय जनता पार्टी हर्षदीप को जो भी जिम्मेवारी देगी वो उसको अच्छे ढंग से निभाएगी, देगा तो देगी, दे रखी है व्यापार पर कोशिश, प्रयास करना हमारा काम है, मेहनत करना, बाकी तो जो पार्टी दायित्व देगी वो उसका काम, प्रयास हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं सारे, चलो जी लग माल इकट्ठा कर ही लिया इसने, माल की कोई कमी नहीं है हर्षदीप के भाई, और भाई इन्होंने राज्यसभा की तैयारी कर ली है, चाहे कितना है माल लगो ये राज्यसभा में जाने के लिए तैयार है, बस आदेश से आदेश की जरूरत है। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं टिकट कौन देंगे इसका मतलब है, क्यों भाई ले कौन अगला, अच्छा ना 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 लेगा मेरा भाई, नहीं लेगा हर्षदीप भाई, टिकट क्यों बोले वो नहीं लेवा अगला की इच्छा, व्यापारी आदमी सोच लिया, व्यापारी आदमी ने सोच लिया क्यों गठबंधन पड़ा, सीधी टिकट मिल जाए राजस्थान चल रहे आराम से जीवन जीवाएंगे भाई, ये क्या भाई देखो ऐसे बड़े भाई है मजाक का रूप लेके, मजाक रूप ले नहीं मजाक है बिल्कुल, टिकट लेवे को नहीं 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 टिकट की बात है ही नहीं, अभी इच्छा भी नहीं इनकी, अभी अभी ये सो देख रहे हैं, अभी तो भाई मुकेश भाई को आगे किया इन्होंने, अच्छा ये मुकेश भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, मुकेश भाई यदि टिकट लेके आते हैं तो ये सारी टीम जितने भी भाई थे आज मुकेश भाई के साथ लग के भाई को विजय बनाए काम करेंगे। चलो ये व्यापारियों के और ये पार्षदों के विचार थे।